गुड इवनिंग बच्चों मैं मारुति पाठक ये आज नीट 2024 का जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक चलो क्वेश्चन नंबर 31 में देखना <coughs> तो इसमें हमको दे रखा है कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और इसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है एक्स इक्ल टू फाइव साइन पाई टी प्लस फाइव बाई थ्री बस पूछा है कि इस एस एच एम का एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड कितना होगा वो हो देखना है तो उसके लिए इसको एस एच एम की स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से कंपेयर कर सकते हैं तो बताओ इसको कंपेयर करेंगे तो ए का काम कौन करेगा फाइव मतलब <coughs> तो इसका एम्पलीट्यूड तो फाइव मीटर होगा और टी के कॉफिशेंट को कंपेयर करेंगे तो बताओ ओमेगा का काम कौन करेगा पाई तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई रेडियन पर सेकेंड अब टाइम पीरियड देखना है तो टाइम पीरियड तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ही भाई होता है ना और टाइम पीरियड कितना होता है टू पाई बाय ओमेगा तो टू पाई ओपन ओमेगा पाई तो इसका टाइम पीरियड टू सेकेंड तो इस एस एच एम का एम्पलीट्यूड फाइव मीटर और टाइम पीरियड टू सेकेंड तो फोर्थ आंसर करेक्ट होगा चलो सेकेंड क्वेश्चन <coughs> तो सेकेंड क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इनमें से किस क्वांटिटी की डायमेंशन सॉलिड एंगल के बराबर होगी तो यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा कि चाहे प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो ये अनाथ होते हैं मतलब डायमेंशन लेस होते हैं <coughs> तो सॉलिड एंगल डायमेंशन लेस है तो हमको देखना है कि इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज डायमेंशन लेस होंगी तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है तो हमको होता है स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेचिंग ओपन इनिशियल लेंथ तो स्ट्रेचिंग भी एक टाइप की लेंथ है इसकी भी डायमेंशन एल इनिशियल लेंथ की भी डायमेंशन एल तो ये कैंसिल हो गए तो स्ट्रेन डायमेंशन लेस होगी और हमको <coughs> पता है कि एंगल भी डायमेंशन लेस होता है एंगल मतलब प्लेन एंगल तो हमको होता है कि प्लेन एंगल तो कितना होता है सिंपली आर्क बाय रेडियस तो आर्क की भी डायमेंशन एल रेडियस की भी डायमेंशन एल <coughs> तो ये कैंसिल तो प्लेन एंगल भी डायमेंशन लेस ही होगा तो बस स्ट्रेन और एंगल ये डायमेंशन लेस हैं तो ये अपना करेक्ट आंसर है थर्ड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं <coughs> तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फेयर है चलो इसका चार्ज की ओर रेडियस आर मान लेते हैं तो बस हमको देखना है कि सी पॉइंट मतलब इसके सेंटर पर पोटेंशियल और पी पॉइंट मतलब इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा और दोनों पोटेंशियल में डिफरेंस कितना होगा वो हमको देखना है बस तो हमको पता है कि अगर कभी कोई यूनिफॉर्मली चार्ड होलोसवेयर हो तो उसके सेंटर पर भी पोटेंशियल के ओपन आर होता है और इसकी सरफेस पर भी पोटेंशियल के क्यूपन कैपिटल आर होता है बस यूनिफॉर्मली चार होलोस्फेयर में सेंटर और सरफेस पर पोटेंशियल बराबर होता है तो सेंटर और सरफेस के पोटेंशियल में डिफरेंस बिल्कुल ज़ीरो होगा तो ये आंसर सेकंड चलो नेक्स्ट तो इसमें हमको दे रखा है एम मास का पेंडुलम है चलो आर लेन के धागे से जोड़ दिया है और इसको किसी स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल पर रखा है ना हॉरिजेंटल टेबल पर रखा हूँ तो समझ जाना कि एम का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और अब क्या करेंगे इसको ओमेगा की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हैं तो इस बार टेंशन कितना होगा वो देखना है ना बस क्या करेंगे कि सिंपली घूमते हुए पेंडुलम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो रोटेटिंग फ्रेम से देखते हैं तो पता होगा कि रोटेटिंग फ्रेम से देखें तो इस पेंडुलम पर बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर और इसके कारण जो पेंडुलम है वो रस्सी को एम ओमेगा स्क्वायर आर जितने फोर्स से खींचेगा तो बस इस रस्सी या धागे में खींचा हुआ टेंशन भी कितना क्रिएट होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर या श्रद्धा हो तो फोर्स बैलेंस भी कर सकते हो कि एक तो साइंटिफिकल फोर्स और अंदर की ओर टेंशन टी इनको बैलेंस करोगे तब भी टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर लेकिन लिखने की जरूरत नहीं प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि घुमाएंगे तो बाहर की ओर एम ओमेगा स्क्वायर आर जितना साइंटिफिकल फोर्स फील होगा तो उसके कारण पेंडुलम रस्सी को उतने ही फोर्स से खींचेगा तो इस रस्सी में खींचा हुआ टेंशन इतना क्रिएट होगा तो बस अब सेकेंड केस में देखना तो सेकेंड केस में पेंडुलम का मास भी कॉन्स्टेंट रख रहे हैं उसके बाद धागे की लेंथ मतलब तो इसकी रोटेशन की रेडियस भी कॉन्स्टेंट रख रहे हैं ये दोनों कॉन्स्टेंट रख रहे हैं तो इस बार टेंशन किस पर डिपेंड करेगा ओमेगा स्क्वायर पर डिपेंड करेगा तो बस पहले के कंपैरिजन में सेकेंड केस में इसकी एंगुलर वेलोसिटी डबल कर रहे हैं तो टेंशन होगी वो डबल का स्क्वायर मतलब फ़ोर टाइम्स हो जाएगी तो पहले केस में टेंशन टी थी तो फोर इंटू टी हो जाएगी करेक्ट आंसर है बाकी सेंट्रीफ्यूगल फोर से सोचना बेस्ट है लेकिन कोई चाहे तो इसको सोलवीं सदी के तरीके से मतलब बेसिक न्यूटन्स लॉ से भी कर सकता है वही चीज़ कि स्पेंडुलम घूम रहा है ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन होना ही चाहिए जिसको सेंटिपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर आर और सेंटर की ओर एक्सेलरेशन है तो इसको पैदा करने वाला कोई ना कोई रियल फोर्स भी होगा जो हमेशा सेंटर की ओर लगे और इस बार वो पैदा करने वाला फोर्स कौन सा होगा टेंशन बस न्यूटन टॉ लगा देंगे कि सेंटर की ओर नेट पैदा करने वाला फोर्स इक्वल टू मास इंटू उसके कारण पैदा होने वाला एक्सेलरेशन तो सेंटर की ओर नेट पैदा करने वाला फोर्स टी इक्वल टू मास एम इंटू उसके कारण पैदा होने वाला एक्सेलेशन ओमेगा स्क्वायर आर तो इससे भी टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर तो श्रद्धा तो न्यूटन लॉ से भी कर सकते हैं लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सोचना बहुत ही आसान होता है चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव देखना देखो तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम है और अब हमने क्या किया कि है कि इस वायर को ऐसे 10 बराबर पार्ट में काटा है तो, तो हंड्रेड ओम का रेजिस्टर है टेन बराबर पार्ट में काटा है तो हर एक पार्ट या हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना होगा हंड्रेड बाय टेन मतलब टेन ओम तो हर एक टुकड़े या हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस हंड्रेड हंड्रेड बाय टेन मतलब टेन ओम होगा अब हमने क्या किया है कि ये जो अपने टेन टुकड़े हैं ना <coughs> उनको अलग टाइप से जमाया है तो so, टेन टुकड़ों में से जो फाइव टुकड़े हैं उन सबको तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जमाया है ठीक है ना मतलब टेन टेन ओम के जो पांच टुकड़े हैं उनको तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जमाया है और टेन टेन ओम के जो बाकी पांच टुकड़े हैं उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जमाया है और ये और ये फिर आपस में वन बाय वन ऐसे लगा दिया है तो बस अब इक्वल रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है ठीक है बस ईजीली कर सकते हैं कि टेन टेन ओम के ये पांच रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा फिफ्टी ओम और टेन टेन के ये पांच रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो इनका रिजल्टेंट टेन ओपन फाइव हो जाएगा पढ़ा होगा कि दो आइडेंटिकल रजिस्टर पैरल में हो तो रिजल्टेंट आर बाई टू ऐसे पाँच आइडेंटिकल रजिस्टर पैरल में तो रिजल्टेंट आर बाय फाइव तो टेन टेन ओम के पांच रेजिस्टर पहल कॉम्बिनेशन में तो रिजल्टेंट 10 टेन बाई फाइव मतलब टू ओम इन सब का रिजल्टेंट 50 फिफ्टी इन सब का रिजल्टेंट 2 टू और ये और ये फिर आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सबका रिजल्टी प्लस टू मतलब फिफ्टी टू ओम इस टाइप से करेंगे चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स तो इसमें हमको दे रखा है कोई आइडियल गैस है पहले केस में तो आइडियल गैस में कोई भी ऑर्बिट्री प्रोसेस कर रहे हैं तो हमको होता है कि ऑर्बिट्री प्रोसेस में तो टी और वी के बीच ग्राफ रैंडमली किसी भी टाइप का हो सकता है उससे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते लेकिन सेकेंड <clears> केस <throat> में हमको दे रखा है कि चार्ल्स स्लो रिप्रेजेंटेशन है और हमको पता है कि चार्ल्स स्लो में प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है मतलब कहने का मतलब है कि सेकेंड केस में गैस में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कर रहे हैं और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के केस में जो टी और वी के बीच ग्राफ है और डॉटेड लाइन से बता रखा है मतलब स्ट्रेट लाइन है तो हमको देखना है पी वन पी टू और पी थ्री में से किस केस में प्रेशर ज़्यादा होगा किस में कम होगा वो देखना है ठीक है तो बस बताओ सेकेंड <coughs> केस में जो डॉटेड लाइन है उसमें हम कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस करें और हमको पता है कि प्रेशर कॉन्स्टेंट रखें तब टी और वी प्रपोशन होते हैं इससे टी और वी के बीच ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन इस टाइप से होगी बस किसका स्लोप ज़्यादा और किसका कम होगा वो देखना है ना तो हमको होता है कि आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में तो क्या रिलेशन होता है पी वी इक्वल टू एन आर टी तो चलो एन आर को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो टी इक्वल टू कितना आ गया पी ओपन एन आर इन टू वी तो बस बताओ एन आर कॉन्स्टेंट है और प्रेशर भी है ना चार्ज रिप्रेजेंटेशन हो तो प्रेशर भी कॉन्स्टेंट रखा है ना तो एनआर भी कांस्टेंट है प्रेशर भी कांस्टेंट है तो इस बार टी प्रोपोर्शनल टू वी होगा टी प्रोपोर्शनल टू वी मतलब टी और वी के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन इसमें स्लोप का काम कौन करेगा वो देखना है <coughs> तो इसको स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई y mx से कंपेयर करेंगे तो m या स्लोप का काम p ओपन nr तो اس کہہ سکتے ہیں کہ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में <coughs> टी और वी के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और उसमें स्लोप का काम कौन करेगा पी ओपन एन आर बस साफ साफ दिख रहा है कि जो फर्स्ट केस है जो फर्स्ट केस है उसमें टी और वी के बीच ग्राफ टी और वी के बीच जो लाइन है वो ज़्यादा एंगल बना रही है तो फर्स्ट केस में टी वी ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है स्लोप ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए सेकेंड केस में स्लोप कम है बस तो स्लोप कम है तो प्रेशर भी कम होना चाहिए और थर्ड केस में दिख रहा है कि ग्राफ सबसे कम एंगल बना रहा है तो थर्ड केस में स्लोप सबसे कम है तो प्रेशर भी सबसे कम होना चाहिए तो बस क्लियर बोल सकते हैं कि पी वन ज़्यादा होगा पी टू कम होगा और पी थ्री सबसे कम होगा <coughs> तो ये सेकेंड आंसर करेक्ट है चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन में देखना <coughs> इसमें हमको दे रखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है है ना और उस रेजिस्टेंस के साथ चार्जिंग कर रहे हैं मतलब वही आरसी चार्जिंग सर्किट है और आर सी चार्जिंग सर्किट में वायर से बहने वाली करंट आई है तो बताओ वायर से बहने वाली करंट को हम कंडक्शन करंट बोलते हैं ना तो कहने का मतलब है कि, कि किसी भी जनरल टी टाइम पर वायर से बहने वाली करंट मतलब तो कंडक्शन करंट आई है तो इस इंस्टेंट पर प्लेट के बीच जो खाली स्पेस होगा उसमें बहने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट कितनी होगी वो देखना है ठीक है ना तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे में तुमने पढ़ा होगा कि कंडक्टिंग वायर से जितनी कंडक्शन करंट बहती है प्लेट के बीच के खाली स्पेस से डिस्प्लेसमेंट करंट भी उतनी होगी तो बस कंडक्टिंग वायर से बहने वाली कंडक्शन करंट आई है तो उस इंस्टेंट पर प्लेट के बीच के खाली स्पेस से बहने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट भी आई होगी उसकी वैल्यू भी आई के बराबर होगी और डायरेक्शन भी आई के बराबर होगी तो फोर्थ आंसर सही है कि डिस्प्लेसमेंट करेंट की वैल्यू भी कंडक्शन करेंट के बराबर होगी और डायरेक्शन भी कंडक्टर कंडक्शन करंट के बराबरी होगी चलो बच्चों थर्टी एट क्वेश्चन देखना इसमें हमको पूछा है कि आ, कोई लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो फ्री स्पेस में तो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो वैक्यूम में ट्रेवल करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कौन कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है वो देखना है हमको ठीक है तो पहले पार्ट में दे रखा है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव की स्पीड वन बाय रूट मीनोट एप्सल नोट होती है तो सही है पता है फिर सेकेंड में दे रखा है कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव यूनिफॉर्मली मूविंग किसी चार्ज से, चार से इमिटेड होती हैं तो ये गलत है ठीक है तुमने तो पढ़ा होगा कि अगर कोई एक्सेलेटिंग चार्ज है ठीक है तो कोई एक्सेलेटिंग चार्ज है उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं बाकी अगर कोई चार्ज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कराओ तब तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा बाकी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगी तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव तो एक्सेलेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होती है है ना कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे चार्ज से इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होती है तो ये ऑप्शन गलत हो गया इनकरेक्ट है थर्ड में कि ट्रांसफ़र तो सही है कि इलेक्ट्रो वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेव प्रोपेगेशन के पॉपेंडिकुलर मतलब ट्रांसफर डायरेक्शन में ऑस्किलेट करते हैं इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ट्रांसफर्स वेव होती है तो ये तो सही है और फोर्थ ऑप्शन में है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी सेम होती है तो ये भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रो वेव चाहे वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हो या वाटर जैसे किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही हो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बिल्कुल बराबर होती है मतलब लाइट की जो भी एनर्जी होती है वो आधी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में और आधी मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है तो फोर्थ आंसर भी करेक्ट है तो बस कौन सा इनकरेक्ट है सेकेंड इनकरेक्ट अगर हमको इनकरेक्ट कोई सिलेक्ट करना है तो आंसर इसमें सेकेंड टिक करना होगा चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन तो इसमें हमको सर्किट डेरेट है पूछा है कि किस केस में वेस्टन ब्रिज बैलेंस्ड रह सकता है मतलब गैल्वेनेटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ सकता है वो देखना है तो इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट है थर्ड ऑप्शन में वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस्ड हो सकता है पहले थर्ड से ही चेक करते हैं <coughs> तो मैंने बताया था पता होगा कि कभी डायोड का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले चेक करते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा रिवर्स में उसको तो चेक करने का तरीका पता होगा कि बताओ बैटरी इस सिरे से चार्जेस को धक्का देती है तो चार्जेस या करंट ऐसे बहने का प्रयास करेगी ना तो बताओ इस केस में जो करंट है वो एरो की डायरेक्शन में बहने का ट्राई करिए मतलब इसमें डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और फॉरवर्ड बायस में होगा मतलब इस केस में जो डायोड है वो करंट को फ्लो होने देगा या करंट को पास करेगा <ttyle> तो सबसे पहले तो चेक कर लिया कि थर्ड ऑप्शन में डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा मतलब तो करंट को ब्लॉक तो नहीं करेगा बल्कि पास कर देगा इतना पता तो चल गया तो बस वेस्टॉन ब्रिज बैलेंस रह सकता है नहीं वो चेक करना है तो पता होगा कि वेस्टॉन ब्रिज बैलेंस्ड होने के लिए इसका इसका रेशो इसके इसके रेशो के बराबर होना चाहिए तो ये रेजिस्टेंट भी टेन है और ये भी टेन है तो इन दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है तो वेस्टॉन ब्रिज बैलेंस्ड होने के लिए इधर और इधर का भी रेजिस्टेंट बराबर होना चाहिए तो ये रेजिस्टेंट फिफ्टीन ओम है तो इनका भी टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम होना चाहिए है ना 15 में से ये 5 ओम रेजिस्टर तो पहले से ही है तो बताओ ये जो डायोड है उसका रेजिस्टेंट 10 ओम होना चाहिए और होता डायोड फॉरवर्ड बायस में तो फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस 10 ओम हो सकता है ना हमको बताए <coughs> कि डायोड अगर बिल्कुल आइडियल डायोड हो तब तो फॉरवर्ड बायस में बेरियर पोटेंशियल भी ज़ीरो और फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस भी जीरो लेकिन नॉन आइडियल डायट हो तो फिर फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस हो सकता है तो बताओ ये डायोड फॉरवर्ड बायस में और अगर इसके फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस अगर टेन ओम हो गया तो बताओ इस वाले पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस टेन प्लस फाइव फिफ्टीन ये भी फिफ्टीन और ये भी फिफ्टीन तो फिर ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे और ये रेजिस्टेंस भी बराबर हो गए पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाय एस आ गया मतलब ये विज डॉन बैलेंस्ड हो सकता है तो थर्ड केस में वेस्ट ब्रिज बैलेंस हो सकता है लेकिन बैलेंस्ड होने के लिए एक तो इसके ये जो डायोड है उसका बेरर पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए और फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंट टेन ओम होना चाहिए तो तब इसमें वेस्ट ब्रिज बैलेंस हो पाएगा लेकिन इस पर वो हो, हो सकता है लेकिन बाकी किसी केसेज में वेस्ट ब्रिज बैलेंस हो ही नहीं सकता जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं तो चलो फर्स्ट ऑप्शन तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि बैटरी इस सिरे से चार्जेस को धक्का देती है तो बताओ इसमें भी डायोड में करंट एरो की डायरेक्शन में बहने का ट्राई कर रही है मतलब इस केस में डायोड फॉरवर्ड बायस में तो होगा और बताओ फॉरवर्ड बायस में इसका कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है तो मान लेते हैं कि फॉरवर्ड बायस में इसका रेजिस्टेंस आ है लेकिन इसमें तो ये डायोड और फाइव ओम वाला रेजिस्टर सीरीज में था लेकिन इसमें डायोड और 5 ओम वाला रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में और हमको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट डेण रेजिस्टेंस होता है वो इससे भी, भी कम होता है और इससे भी कम होता है ठीक है ना तो होता है पैरेलल में तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इससे भी कम होगा और इससे भी कम होगा तो पक्का है कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा 5 से तो निश्चित कम होगा तो बताओ एना बताओ इसका और इसका रेजिस्टेंस बराबर है तो तोता वेस्टऑन बेस्ट बैलेंस होने के लिए ये और ये रेजिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए जबकि होता है इस बार ये वाला रेजिस्टेंस तो फिफ्टीनों ओम है और इनका इक्वल एंड रेजिस्टेंस फाइव से कम होगा तो फिफ्टीन तो हो ही नहीं सकता तो होता तो इस बार पी बाय क्यू ई कोड आर बाई एस सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएगा मतलब इसमें वेस्टन बेस बैलेंस हो ही नहीं सकता है और इनमें तो हो ही नहीं पाएगा <coughs> जैसे जैसे सेकेंड ऑप्शन में देखना देखो सेकेंड ऑप्शन थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है सेकेंड ऑप्शन में एक्चुअली बैटरी की पॉलरिटी ऐसी दे रखी थी इधर मिस प्रिंटिंग हमसे मिस प्रिंटिंग हो गया एग्जाम में तो सही था तो सेकेंड ऑप्शन में बैटरी की पॉलरिटी ऐसी दे रखी थी तो बताओ बैटरी इस सिरे से चार्जेस को धक्का देती है तो होता इस बार तो डायोड में करंट एरो के अपोजिट बहने का दुस्साहस कर रही है तो होता इसमें तो डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा और पता है कि रिवर्स बायस में तो डायोड करंट को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा और ब्लॉक कर देगा मतलब रिवर्स बायस में जो डायोड है वो इन्फाइनट रेजिस्टर के टाइप से काम करेगा तो मतलब तो इसका और इसका रेजिस्टेंस बराबर है तो बैलेंस विस्ट ऑन बैलेंस होने के लिए इसका और इसका रेजिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए जो यहाँ हो ही नहीं पाएगा इसका 15 है और इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन्फाइनिट है तो यहाँ भी पी बाय क्यू कोड आर बाय सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएगा तो इसमें विस्टोन बेस विश्ट बैलेंस नहीं हो पाएगा और इसमें भी नहीं हो पाएगा इसमें भी अगर चेक करोगे तो इसमें भी चेक करोगे तो डायोड रिवर्स बायस में आएगा बताओ बैटरी इस सिरे से चार्जेस को धक्का देती है तो बताओ डायोड में करंट ऐसे एरो के अपोजिट बहने का दुस्साहस कर रही है तो डायोड रिवर्स बायस में होगा करंट को ब्लॉक कर देगा ब्लॉक कर देगा तो इन्फ्राइट रेजिस्टेंट के टाइप से काम करेगा तो बताओ इसका और इसका रेशियो तो वन एस टू वन है लेकिन इसका और इसका रेशियो तो फिफ्टीन एज टू इन्फेनिट है यहाँ भी पी बाय क्यू कोड आर बाय सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता है तो इसमें भी वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस हो ही नहीं सकता है। पक्का है कि केवल थर्ड ऑप्शन में वेस्टर्न ब्रिज बैलेंस हो सकता है और वो भी तभी होगा जब डायोड के फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस टेन हो, हो और बैरियर पोटेंशियल ज़ीरो तभी होगा तो इसमें केवल थर्ड ऑप्शन ही पॉसिबल है थर्ड ऑप्शन सही रहेगा चलो बच्चों फोर्टी क्वेश्चन देखना देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये वी वोल्टेज की बैटरी से हमेशा कनेक्टेड रखा हुआ है तो बस हमको पता है कि इस बार कैपेसिटर आइसोलेटेड है बल्कि बैटरी से कनेक्टेड है तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी तो इस कैपेसिटर के भी एक पोटेंशियल डिफरेंस वी रहेगा और चूंकि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तो इस बार कैपेसिटर के भी एक पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो चूंकि बैटरी से कनेक्टेड है इसलिए इस बार कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस वी कॉन्स्टेंट रहेगा तो इसमें जहाँ तक हो सके फॉर्मले हम पोटेंशियल डिफरेंस वी की फॉर्म में लगाएंगे अब कैपेसिटर को डिस्टर्ब करना है तो डिस्टर्ब करने के लिए हम क्या करें कि कैपेसिटर की प्लेट्स को पास पास ला रहे हैं प्लेट्स को ऐसे पास पास ला रहे हैं मतलब प्लेट <coughs> के भी डिस्टेंस हम घटा रहे हैं बस <coughs> बाकी पैरामीटर कैसे चेंज करेंगे वो देखना है तो चलो सबसे पहले तो कैपेसिटेंस तो हमको पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एफसेल एन नोट ए बाई डी है ना प्लेट के भी डिस्टेंस घटा रहे हैं डिस्टेंस घटाएंगे तो इनवर्सिव प्रपोर्शनली कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा मतलब सी तो स्टेटमेंट सही है चार्ट देखना है

हाफ सी वी स्क्वायर इसका यूज़ करेंगे बस हाफ़ तो बेचारा कांस्टेंट होता ही है और <coughs> बैटरी से कनेक्टेड है तो वी भी कांस्टेंट रहेगा तो इस बार जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सीप के प्रोपोर्शन होगी तो प्लेट के डिस्टेंस बढ़ाने कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो प्रोपोर्शनली स्टोर्ड पोटेंशियल जी भी बढ़ेगी जबकि यहाँ पोटेंशियजी घटेगी डिक्रीज करेगी ऐसा बोल रखा है <coughs> तो बी ऑप्शन गलत हो गया डी ऑप्शन देखना तो डी ऑप्शन में पूछा है कि कैपेसिटर के चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस वी का रेशो तो हमको पता है कि बता क्यू इक्वल टू सी वी होता है तो क्यू बाय वी इक्वल टू सी हो गया तो क्यू बाय वी का रेशो सी के बराबर होता है तो बस पता है कि प्लेट के भी डिस्टेंस घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ही क्यू बाई वी का रेशो भी बढ़ेगा जबकि यहाँ लिख रखा है कि क्यू बाय वी का रेशो सेम रहेगा तो ये गलत हो गया ऑप्शन में देखना ई ऑप्शन में q इन टू वी का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट पूछा है तो बस हमको पता है कि बैटरी से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस v तो कांस्टेंट है लेकिन इस बार कैपेस्टन बढ़ रहा है तो चार्ज q भी बढ़ेगा और बताओ q बढ़ेगा तो q इन टू वी का मल्टीप्लाई भी बढ़ेगा तो q और v का प्रोडक्ट बढ़ेगा ऐसे दे रखा है तो सही है ए सी और ई e, ऑप्शन सही है मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन में देखना इस पे हमको फोर्स का कोई फॉर्मूला दे रखा है अल्फा <coughs> टी स्क्वायर प्लस बीटा टी या अल्फा और बीटा कोई भी क्वांटिटीज हैं तो बस हमको देखना है कि इनमें से कौन सा चीज़ डायमेंशन लेस होगा ये तो ये हमने पढ़ा था है ना तुमको पता भी होगा कि <coughs> फोर्स के साथ किसी फोर्स को ऐड कर सकते हैं और वेलोसिटी के साथ किसी वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं तो कभी कोई दो टर्म जुड़ रही हो तो दोनों सेम फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए मतलब दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए <coughs> तो अल्फा टी स्क्वायर और बीटा टी दोनों जुड़ रहे हैं मतलब पक्का है कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने चाहिए मतलब दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए मतलब ये अल्फा टी स्क्वायर और बीटा टी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए टी से टी कैंसिल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा टी की डायमेंशन और बीटा की डायमेंशन सेम होनी चाहिए बीटा को इधर ट्रांसफर करते हैं तो अल्फा टी ओपन बीटा ये जो होगा वो डायमेंशन लेस होगा तो कौन सा डायमेंशन लेस होगा अल्फा टी ओपन बीटा ये डायमेंशन लेस होगा फोर्थ आंसर करेक्ट होगा चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू देखना इसमें हमको दे रखा है कि मेटल की कोई सॉलिड रॉड है उसका यंग मॉडुलस दे रखा है कॉफ़िशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है उसकी लेंथ दे रखी है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमको दे रखा है और इसका टेम्परेचर ज़ीरो डिग्री से हंड्रेड डिग्री तक बढ़ा रहे मतलब कहने का मतलब है कि इसका टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड जितना बढ़ा रहे लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद भी इसको एक्सपेंड होने नहीं दे रहे हैं ना टेम्पेचर बढ़ाने के बावजूद भी एक्सपेंड होने नहीं दे रहे हैं मतलब इनकी भावना यह है कि <clears throat> अपनी जो भी मेटेलिक रॉड है उसको हमने दोनों दीवारों की रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ठीक है ना टेम्परेचर तो बढ़ाने के बावजूद भी एक्सपेंड नहीं होने दे रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भी रॉड है उसको दो दीवारों के बीच हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और रॉड बैंड भी नहीं हो रही मतलब मानना है कि मोटी रॉड है तो ना है ना क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी ज़्यादा है बस इनके कहने का प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि कोई मेटेलिक रॉड है उसको दोनों दीवारों के बीच बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और चलो अब इसका टेम्परेचर हम हंड्रेड डिग्री बढ़ा रहे हैं तो पता होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेचारी रॉड एक्सपेंड होने का ट्राई करेगी लेकिन ये जो दो फिक्स दीवारें हैं वो रॉड को एक्सपेंड नहीं होने देंगी तो तो अपनी फ्री स्टेट के कंपैरिजन में रॉड दब जाएगी और तब फ्री स्टेट के कंपैरिजन रॉड दब जाएगी तो हो तो रोड में कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा जिसको तुम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हो और क्लास में बताया होगा कि ऐसे केसेस में जो फोर्स जेनरेट होता है उसको थर्मल स्ट्रेस या थर्मल फोर्स बोलते हैं और बताओ थर्मल फोर्स कितना होता है सिंपली वाई एल्फा डेल्टा टी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्म में बताया जाता है <coughs> तो जिसने भी थर्मल एक्सपेंशन का पार्ट ढंग से पढ़ा होगा उसको डायरेक्ट पता होगा कि ऐसे केस में जो कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होता है उसको थर्मल फोर्स और वो वाई ए अल्फा डेल्टा टी होता है बस वैल्यू रख दो वाई यंग मोडलर्स तो ज़ीरो पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पावर इलेवन ए क्रॉस सेक्शन एरिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया टेन टू पावर माइनस थ्री एल्फ़ा एल्फ़ा हमको टेन टू पावर माइनस फाइव दे रखा है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हंड्रेड तो एफ कितना आ जाएगा पॉइंट फाइव में हंड्रेड का मल्टीप्लाई करोगे तो फिफ्टी और टेन टू पावर एलेवन इंटू टेन पावर माइनस एट करोगे तो टेन टू पावर थ्री न्यूटन बस इस रोड में कंप्रेसिव फोर्स फिफ्टीन 10 टू पावर थ्री न्यूटन इतना क्रिएट होगा तो किसी ने थर्मल एक्सपेंशन ढंग से पढ़ रखा हो तो उसको डायरेक्ट पता होगा कि थर्मल फोर्स वाई ए एल्फा डेल्टा टी इतना प्रोड्यूस होगा लेकिन अगर किसी ने थर्मल एक्सपेंशन नहीं पढ़ा हो <coughs> तो इसको बेसिक से निकाल भी सकते हैं तो तरीका की, है ना वही तरीक़ा कि मान लेते हैं कि रोड की लेंथ एल नॉट है <clears throat> <abei> दोनों दीवारों के रिस्ट्रिक्टेड है टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा रहे हैं बताओ कि टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाएं तो रोड एक्सपेंड होने का ट्राई करेगी और अपनी लेंथ कितना करने का ट्राई करेगी एल नाट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी या कितना हो जाएगा एल नाट प्लस एल नाट एल्फा डेल्टा टी ठीक है ना <clears throat> तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रोड एक्सपेंड होने का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रोड एक्सपेंड होने का ट्राई करेगी और अपनी लेंथ एल नोट प्लस एल नॉट एल्फा डेल्टा टी इतना करने का ट्राई करेगी लेकिन ये जो फिक्स दीवार है उसको एक्सपेंड नहीं होने देंगी ये दीवारें कुछ भी करके इसकी लेंथ एल नोट जितना मेंटेन करके रखेगी तो फ्री स्टेट के कंपेरिजन रोड बेचारी दब जाएगी और कितना दब जाएगी एल नॉट एल्फा डेल्टा टी इतनी दब जाएगी तो बस रोड में कंप्रेशन इतना होगा तो रोड में स्ट्रेन कितनी जेनरेट होगी कंप्रेशन ओपन इनिशियल लेंथ तो कंप्रेशन तो एल नॉट एल्फा डेल्टा टी ओपन इनिशियल एंड एल नॉट तो इसमें स्ट्रेन कितनी जेनरेट होगी एल्फा डेल्टा टी इतनी स्ट्रेन जेनरेट स्ट्रेन इतना होगा तो उसके कारण स्ट्रेस कितना होगा स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन तो लॉन्गी स्ट्रेस कितना होगा वाई इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एल्फा डेल्टा टी और तो लॉन्गीट्यूडनल स्ट्रेस को हम क्या बोल सकते हैं लॉन्गीट्यूडनल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ए को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें कंप्रेसिव फोर्स कितना जेनेट होगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी ये मूर्खों टाई से निकाल तो लिया लेकिन क्लास में इसको याद रखने को बोलते हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं ये इसको करने का बेस्ट तरीका है चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री देखना तो इसमें हमको दे रखा है कोई टेलीस्कोप है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की फोकस डिस्टेंस दे रखी है और मैग्निफिकेशन पावर है लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है वो हमको नहीं दे रखा है तो पता होगा कि क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट ही मानेंगे कि टेलीस्कोप नॉर्मल कॉन्फिग्रेशन में है।, है ना और पता होगा कि टेली एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप नॉर्मल कॉन्फिग्रेशन में हो तो नॉर्मल कॉन्फिग्रेशन में इसकी मैग्नेटिकेशन पावर कितनी होती है एफ ओ बाई तो एफ तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल डिस्टेंस वन और एफ ई आई पी की फोकल डिस्टेंस फाइव तो ट्वेंटी एट आ गया तो नॉर्मल कॉन्फिग्रेशन में इसकी मैग्नीफिकेशन पावर ट्वेंटी एट होगी ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर फुर्ट देखते हैं तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई बार मैग्नेट है चलो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ प्लस एम और माइनस एम मान लेते हैं शुरू में इसकी लेंथ एल है और शुरू में बार मैग्नेट बिल्कुल सीधा है तो हमको बताया कि बार मैग्नेट बिल्कुल सीधा हो तब तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ तो अभी तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम इंटू एल होगा और अभी इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम दे रखा है अब देखो अब हमने क्या किया है कि इस बार मैग्नेट को बिल्कुल बीच में से मोड़ दिया है ना बार मैग्नेट को बिल्कुल बीच में मोड़ दिया ऐसे मोड़ा है ताकि दोनों पार्ट आपस में सिक्सटी डिग्री एंगल बनाए तो बाहुबली ऐसा कोई ताकतवर इंसान ने इसने बार मैग्नेट को बिल्कुल बीच में सिक्सटी डिग्री इतना मोड़ दिया है तो अब ये जो मैग्नेट होगा उसका अब मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा वो देखना है ठीक है ना तो ये तुमको क्लास में ना एक क्लास में बताया होगा कि आ, कभी बार मैग्नेट को ऐसा टेढ़ा मेढा मोड़ दें पढ़ा होगा ना कि कभी बार मैग्नेट को ऐसा टेढ़ा मेढा मोड़ दें तो अब उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा पोल स्टैन एम इन एल सही है ना तो बार मैग्नेट को टेढ़ा मेढा मोड़ दें <coughs> तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इंटू एल इक्वलेंट होगा जहां एल इक्वलेंट क्या होगा <coughs> नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच सीधी डिस्टेंस बस बताओ मैग्नेट को कितना ही मोड़े पोल स्ट्रेंथ तो उतनी की उतनी रहेगी स्मॉल एम की स्मॉल एम ही रहेगी और एल इक्वलेंट क्या होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच डिस्टेंस ये तो ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं ना बताओ इस ट्रा के तीनों एंगल का एडिशन वन एटी उसमें सिक्सटी चला गया तो बचा वन ट्वेंटी तो बताओ ये और ये साइड सेम है तो सामने वाले एंगल भी सेम होंगे तो वन ट्वेंटी में से ये सिक्सटी हो जाएगा और ये सिक्सटी तो लकीली तीनों एंगल सिक्सटी हो गए मतलब इक्विलेटर टाइंगल है तो बस इक्वलीटेड टाइंगल बन गया तो बताओ ये एल बाय टू है ये एल बाय टू है तो ऑब्वियसली ये भी एल बाय टू हो जाएगी मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की सीधी डिस्टेंस एल बाय टू तो एल इक्वलेंट भी कितना हो गया एल बाय टू तो सेकेंड केस में इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा पोल स्ट्रेंथ तो एम इंटू एल इक्वलेंट की जगह एल बाय टू तो एम एल बाई टू बस बताओ पहले केस में मैग्नेटिक मोमेंट एम एल था अब मैग्नेटिक मोमेंट एम एल बाय टू हो गया तो पहले के कंपेरिजन में सेकेंड केस में मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया है पहले एम बात एम था तो अब एम बाय टू हो गया फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा चलो बच्चों फोर्टी फाइव क्वेश्चन देखना तो इसमें हमको दे रखा है कोई अल्टरनेटिंग सोर्स है <coughs> उसका वोल्टेज टू हंड्रेड टेन वोल्ट दे रखा है मतलब वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू टू हंड्रेड टेन है तो इससे हम वोल्टेज का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं ना तो हमको होता है कि वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू क्या लिख सकते हैं वी नोट बाई रूट टू टू हंड्रेड टेन है रूट टू को ट्रांसफर करेंगे तो वी नॉट कितना आ जाएगा 210 हंड्रेड टेन इंटू रूट टू वन पॉइंट फोर वन फोर ये मल्टीप्लाई कर देना तो अप्रोक्सीमेटली थ्री हंड्रेड के आसपास आएगा थोड़ा सा कम आएगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली थ्री हंड्रेड वोल्ट के आसपास आएगा तो कहने का मतलब है कि इस अल्टरनेटिंग सोर्स का वोल्टेज का एम्पलीट्यूड तो थ्री हंड्रेड वोल्ट उसके बाद फिफ्टी हर्ट दे रखा है हर्ट दे मतलब तो फ्रिक्वेंसी एफ है तो फ्रीक्वेंसी एफ है तो इस सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी टू पाई एफ तो टू पाई इंटू एफ फिफ्टी तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी हंड्रेड पाई रेडियन पर सेकेंड तो इस अल्टरनेटिंग सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई अब देखो अब अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ हमने ओनली कैपेसिटर लगाया है तो पता होगा अल्टरनेटिंग सोर्स है तो इस बार अल्टरनेटिंग करंट के कंसेप्ट यूज करेंगे तो ओनली कैपेसिटर है और हमको बताए कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना होता है वन ओपन सी ओमेगा ठीक है इसका रिएक्टेंस कितना हो जाएगा वन ओपन सी सी इसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है टेन माइक्रो मतलब टेन टू पावर माइनस सिक्स इंटू ओमेगा कितना है हंड्रेड पाई ये सॉल्व कर लेना तो ये कितना आ जाएगा टेन टू पावर थ्री मतलब टेन टू पावर थ्री मतलब थाउजेंड बाय ओम तो इसका रिएक्टेंस या प्रतिघात इतना आ जाएगा अब बताओ ओनली कैपेसिटरी है और रेजिस्टर और, और कोई नमूना नहीं है तो इस बार इसका रिएक्टेंस इतना है तो इम्पिडेंस भी उतना ही होगा एन और कोई नमूना है ही नहीं केवल कैपेसिटरी है तो रास्ते का रिएक्टेंस इतना होगा तो इम्पीडेंस भी उतना ही हो जाएगा मतलब थाउजेंड बाय ओम इतना होगा बस करेंट <coughs> का एम्पलीट्यूड निकालना है तो करेंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ओपन रास्ते का नेट एम्पीडेंस तो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड तो अप्रोक्सीमेटली थ्री हंड्रेड ओपन रास्ते का एम्पीडेंस कितना है थाउजेंड ओपन पाई, तो ये कैंसिल हो गया ना तो करेंट का एम्पलीट्यूड कितना हो गया थ्री पाई बाई टेन पाई को हम क्या लिख सकते हैं थ्री पॉइंट वन फोर तो कितना हो गया नाइन फ़ोर टू और ये टेन का डिवाइड करेंगे तो जीरो पॉइंट नाइन फोर टू तो करेंट का एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट नाइन फोर तो क्लोजेस्ट आंसर ये लिखेंगे एक्चुअली ये वोल्टेज का एम्पलीट्यूड भी अप्रोक्सीमेटली थ्री हंड्रेड लिखा है तो अपना आंसर भी अप्रोक्सीमेटली पॉइंट नाइन फोर तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा